हेलो। नमस्कार जी, हाँ जी, कौन? मैं बहुआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी भी बहुत हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे कौन बहुआ? अरे एक सेकंड रुकिए, सब बताएंगे। क्या आप तैयार हैं? किस चीज के लिए? हर हफ्ते एक ऐसी ऐतिहासिक चर्चा होती है भाई साहब, जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता है, कैसी चर्चा? आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि आमने सामने हो। किस बारे में चर्चा है? टॉपिक में बताऊंगा, 2 मिनट लगेगा। शुरू करें क्या? कर दीजिए। कर दी हो, जागरूक और एकदम। सर्दियां आने ही वाली हैं भाई साहब, तो इस सर्दी बिल्कुल हाँ, तो इस सर्दी में भी गर्मी का एहसास, सर्दी में गर्मी का एहसास, इस विषय पे चर्चा करनी है। हाँ, ये कैसे मिलेगा बैरागी जी? इसी पर थोड़ा वो डालेंगे जो यूपी में काम आता है, प्रकाश। प्रकाश देखिए, अपने आप ही सर्दी में गर्माहट लाने के बहुत से नुस्खे। जो पहला चरण जिसे कहा गया गर्मी का, वो है कि रजाई। रजाई रजाई भाई साहब, आप लाइन पे हैं? तब आप लाइन पे, आप बोलिए, सुन रहे हैं आपको? हाँ, बैठा कीजिए, सुनते रहिए। तो रजाई पहला क्रम माना गया है गर्माहट के लिए। रजाई के बाद दूसरी चीज क्या है? गाजर। गाजर भाई साहब, गाजर का क्या प्रयोग? गाजर का सबसे नहीं नहीं उस एक सेकंड, गाजर कैसे बैठागी जी? गाजर का मूल मंत्र है, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा। क्या क्या? गाजर का हलवा। हलवा 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 हलवा। इतना मत चिल्ला, ग से वो फट जाएगा गला। बैठागी जी, हलवा और रजाई से सर्दी में गर्मी का एहसास कैसे आएगा? देखिए, दो चीजें महत्वपूर्ण आजकल चल रही हैं, एक तो NGT जो कि प्रदूषण को दूर करती है, दूसरी महत्वपूर्ण चीज है RGT। RGT क्या होता है? रजाई गैस ट्रेजेडी। गाजर का हलवा खाने के बाद जब व्यक्ति रजाई के अंदर घुसता है, उसके पेट में हल्की कुमुदनी एक लहर मारती है, हल्की सी हवा वो गैस में छोड़ता है और रजाई की रुई में हल्का कंपन महसूस होता है, उसे कहते हैं RGT। रजाई गैस ट्रेजेडी से सर्दी में भी गर्माहट का एहसास होता है। और कान मान जाओ, बस का नाम क्या बैठा की जी, इतना गंदा बोल रहे हैं? मोहर गोटे वाला। आप मोहर गोटे वाले हैं? पापा हूँ, पापा तुम्हारा। गंदा मत बोलिए, चर्चा यही खत्म। बहुत बहुत गोटे बताइए, इस बार की चिट्ठी है? इस बार की चिट्ठी बोलीविया के दक्षिण प्रांत से जुड़े अवसादपुर में रजाई की पुरानी रुई को सुखाकर उसकी बदबू दूर करने वाली सिलीबिली गुंटो कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। सिलीबिली जी, एफ से रॉकिंग नहीं होता। गुंटो घूंघट लगा, गुंटो की कहानी आएंगी। हेलो, नमस्कार भाई साहब। कौन? अंकिल, मैं बहुआ और मेरे साथ जीजी विशा की जांच हाथ से करने वाले नंद किशोर बैरागी मैं जुड़ गए हैं। आप बंधु, हम ये कह रहे थे आपसे कि एक चर्चा बोल रहा है। बहुत से बंधु बोला है, कुछ और नहीं बोला है। हम कह रहे हैं, हम एक चर्चा करते हैं जहाँ जनता के प्रतिनिधि के रूप में आप और एक्सपर्ट के रूप में। बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई कौन हो, क्या हो रहा है? यही सिखाया घर वालों ने, कौन हो क्या है, इसके आगे भी कुछ बोलो। छोटी बोल रहा तू भाई, छोटी सी चर्चा है, आपसे 1 मिनट चाहिए रहेगी। समाज के उत्थान के लिए काम हो रहा है, लोगों को आईना दिखाते हैं, 1 मिनट चाहिए भाई। युवा हो, कुछ कर्तव्य निभाओ। एक बात है बस, दिल्ली में स्मॉग पोल्यूशन ज्यादा है कि नहीं? NCR बताओ। धुंध छाया हुआ है, सरकार शायद कृत्रिम बारिश करवाएगी। ये क्या है? आर्टिफिशियल रेन भाई साहब, हेलीकॉप्टर ऊपर जाके पानी नीचे बरसेगा, इसकी बात हो रही है। लेकिन इसका आइडिया सबसे पहले किसने दिया? देखिए, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, बैरागी जी बताएंगे। भाई जल्दी कर लो यार, जल्दी। हाँ बैरागी जी, किसने आइडिया दिया सबसे? ये तो सबसे पहले आज ही नहीं, काफी पुराने समय से चल रहा है। RHHH ने शुरू किया था। अच्छा, जैसे ही वो आता था, एंट्री होती थी, मुंह में पानी भरकर क्या बोल रहे, फेंक देता था सामने वाले प्रतिद्वंदी पे, कृत्रिम बारिश है। लेकिन भारत एक सेकंड, एक सेकंड। लेकिन भारत में RHHH के बाद इस चीज को लाने वाला एक ही व्यक्ति है, जो भी एयरलाइंस में जो पकड़ा गया है ना, मारपीट आई, डुग्गे लगे हैं, हाँ, तो उन्होंने बोला था कि जब जहाज चल रहा होगा ना, तो नीचे से खोल दो, जो जो गिरेगा वो गिरता रहेगा। अच्छा, क्या खोल दो? अच्छा, ऊपर से जहाज के नीचे लगी होती कटोरी, नीचे गिरेगी उनका कुछ नहीं। हाँ, वो कटोरी खोल दो, कृत्रिम बन के नीचे गिरता रहेगा, अपना पोल्यूशन बैठ जाएगा। हाँ, तुम पागल हो, पागल कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा, जब RHHH की बलगम गिरेगी ना तुम पे, पागल कहना बंद कर दो। बिल्कुल नहीं पसंद आ रही। तो ये उन्होंने कृत्रिम बारिश का आइडिया दिया था, इंडिया में दिया था, पिट भी गए। हाँ, फिर ये गलत हो ना भाई। भाई गलत मत, बड़े वाले हो, बड़े एक सेकंड। इनका नाम बैरागी जी? सौगी लाकड़ा हमारे साथ। आप सौगी लाकड़ा हैं? बहुत ही अच्छे। तेरी दी सौगी लाकड़ा कौन? गलत मत बोलिए बैरागी को। एक चीज बोलूंगा, तौलिया रख के जो नहीं किया वो करके देखना, सांस रोक के मर के देखना। वाह,
बचे, तू यहाँ से थैंक यू सो मच। कौन ये बता मेरे को? ये बैरागी जी, मैं बउआ और आप फोन रखिए, सौगी लाकड़ा जी, इस बार की चिट्ठी बैरागी, इस बार की चिट्ठी एम्स्टर्डम के पिलंजी डिपो के सामने सिंघाड़े को वाटर चेस्ट नट कहकर बेचने वाली बहुत चक्की एंजल कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। बहुत चक्की एंजल जी एफ से रॉकिंग नहीं है, सिंघाड़े को कौन कहता है चेस्ट वाटर? रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते बउआ बोल। हेलो हेलो जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? हेलो, फोन क्यों किया है? फोन इसलिए किया है, दो मिनट चाहिए मेरे को। समाज में जब कोई गलत चीज देखता हूँ ना मैं, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, लोग क्या देख ले गलत? गलत आदमी को अगर आप गलत बोलो तो चलेगा, लेकिन सही को भी अगर आप गलत में नुकता लगे भाई साहब। हाँ, बोलो आप एक बार बोलो। गलत। एक बार वापस, कोशिश अच्छी थी, कोशिश कोशिश नहीं गलत। मजे ले रहा है। मैं कह रहा था लोग सही को भी गलत बोलते हैं, जैसे मच्छर। हाँ, मच्छर को लोगों ने इतना गलत बनाया है, मच्छर उतना गलत है नहीं। गलत तो गलत ही है मच्छर। मच्छर क्या गलत है बताओ, लोगों को लगता है काट लेता है, डेंगू हो जाता है, आईसीयू में पहुंच जाते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। कुछ चीज का फायदा होता है तो नुकसान भी होता है ना भाई साहब, नुकसान। नुकसान उल्टे उल्टे मत कर दियो। नहीं तो मच्छर का फायदा बता दो मैं। मच्छर एक्चुअली आपको फिट रखता है, कैसे पूछो? कैसे? रात को आप खाने के बाद सोने से पहले सेटिंग में लग जाते हो। काहे की सेटिंग? सेटिंग में लग जाते हो, आपकी मच्छर मारने वाला एक कोई प्लग लगा दिया। अच्छा, हाँ, फिर हाँ, मच्छरदानी हाँ। अगर अब तो नहीं होती मच्छरदानी, खैर अब तो खैर अब तो मच्छरदानी नहीं है, लेकिन पहले मच्छरदानी, या फिर अब रैकेट आ गया, वो रैकेट से आप मच्छर ढूंढ ढूंढ के, तो मच्छर आपको दौड़ाता है, एक्शन में रखता है। खाने के बाद आप तुरंत सो नहीं जाते, फिर बाद में, इसलिए मच्छर आपको फिट रखता है, आप दौड़ते रहते हैं रात को। इसके अलावा, हेलो, आप अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको बाय वन गेट वन दिलवा सकते हैं मच्छर, पूछो कैसे? कैसे? सपोज आपने सूप ऑर्डर किया, मतलब आधा पी लिया है आपने, फिर मच्छर गिर जाए। अच्छा, फिर वो हम उसको वापस बोल देंगे मच्छर गिर गया, फिर वो दूसरा में फ्री में दे। क्या बात है, हमें सिखा रहा है। बाय वन गेट वन है ना, बाय वन गेट वन। आपको ऑफिस में प्रमोशन दिलवाता है मच्छर, पूछो कैसे? कैसे? आप खड़े हो, सामने से आपका बॉस आ रहा है। अच्छा। और बीच में से एक मच्छर भी निकला। अच्छा। आप तुरंत मच्छर को मारने के लिए ताली बजाते हो। बॉस को लगता है, आप बॉस को देख के ताली आदमी। ब्लब मैं बता रहा हूँ, आपने कहा था कि मच्छर काटने से बीमारी होती है। हाँ, बीमारी तो होती है। अगर मच्छर काटता है तभी आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो, ऐसे ही कभी उठ के जाते हो ब्लड टेस्ट कराने? नहीं ना, नहीं। इस वजह से ब्लड टेस्ट करने वालों की दुकान चल रही है, उनको रोजगार मिल रहा है। किसका? अरे यार, कम से कम एक भाई आएगा तो किसी ने बात। आप गलत गलत सही कौन है? गलत हम हैं तो सही। गलत क्या बोल रहे आप? गलत तेरी लोगे पट्टे। हेलो, आवाज से लग रहे सो तो नहीं रहे आप? बोलो, कौन बोल रहे हो? जी अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल किसको बोल रहा है? सॉरी, मैं कह रहा हूँ टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, वो गंदा नहीं लग रहा है आपको? वो तो गंदा है ही है। गंदा काहे का गंदा, वो अच्छा है उल्टा। टमाटर का दाम अगर बढ़ा है तो उससे कई सारे फायदे भी हैं। अरे किसी और को फोन लगा। सेकंड सुन लो यार। अरे नहीं सुनना। अब एक सेकंड। हेलो सर, नेटवर्क में कुछ चल रहा है, कॉल ड्रॉप हो रहा है। अरे फोन काटा था, कॉल ड्रॉप हो रहा है। सॉरी, टमाटर का बता रहे थे भाई साहब, लोग हो हल्ला मचा रहे, टमाटर का दाम बढ़ रहा है, उसके कई फायदे हैं, मैं बता रहा हूँ। कौन सा फायदा? एक सेकंड। हाँ। नेता गंदा भाषण देगा, कोई टमाटर नहीं फेंकेगा। अभिनेता गंदी पिक्चर देगा, कोई टमाटर नहीं फेंकेगा। इसके अलावा टमाटर की हत्या नहीं की जाएगी, पता हूँ कैसे? वो कैसे? उसको पिचका पिचका के उसका केचप बना के बोतलों में जो भरा जाता है वो बंद होगा। अबे वही केचप की बोतल तेरे नहीं करेंगे आप। अब तक महिलाएं प्याज काटते हुए किचन में रोती थी। अच्छा, अब टमाटर काटते हुए भी? वो कैसे?
अबे दाम बढ़ाए ना तो थोड़ा रिच फीलिंग आएगा कि देखो टमाटर काट रही है और रो रही है क्योंकि रिच तो फीलिंग आएगी तो रोएंगे क्यों? खुशी के आंसू रिच होने के बाद। सुबह सुबह तो जिनको टमाटर पसंद नहीं है वो खाने में से निकालेंगे नहीं, चुन चुन के खाएंगे। टमाटर से ट्रेन की दुर्घटना भी कम होगी, पूछो कैसे? वो कैसे? ट्रेन में छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती थी कैसे? हाँ। क्योंकि जब आप राजधानी और शताब्दी में जाओ, आपकी आवाज से तो लग नहीं रहा कभी गए, पर अगर जाओ मैं कह रहा हूँ अगर आप उसमें जाओ ना तो उसमें टमाटर का सूप देते हैं। हाँ देते हैं। तो कभी कभी ट्रेन हच करके झटका मारती है तो सूप गिर जाता है और गिरने से पैर में जल जाते हैं और छाले, तो उससे भी राहत मिलेगी, अब नहीं ना रहेगा सूप ना पड़ेंगे छाले, है कि नहीं? सुबह सुबह तू मेरा गलत बोलेंगे तो परेशानी होगी। बात ही नहीं कटनी है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, आप टमाटर के दाम बढ़ाते रहो। बउआ बोल लो नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारे बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल। हेलो, हो गया संपर्क? हो गया भाई साहब, नमस्कार। कौन? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक, ये हमारे एक्सपर्ट होते हैं और एक मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ, जो कि समाज को आईना दिखाकर अपने कर्तव्य को पूरा करता है। भाई साहब क्या है? देखिए, हाल ही के दिनों में दिल्ली मेट्रो जो थी वो उससे दीवार से टकरा गई। मैजेंटा लाइन। पता है मैजेंटा लाइन जो है, मैजेंटा। हाँ, मैजेंटा लाइन। हाँ, मैजेंटा वही वाली एजेंडा। आपका एजेंडा क्या है? मैजेंटा। आपका एजेंडा क्या है ये? कौन क्या? एक सेकेंड, सॉरी। तो जब से हमको पता चला है कि उसने दीवार तोड़ दिया, क्यों तोड़ा, इसके पीछे बैरागी जी कारण बता रहे हैं। क्या कारण बता रहे हैं? देखिए, मैजेंटा लाइन की सबसे बड़ी दिक्कत जो थी मेट्रो के पास, अगर हम बात करें तो दो चीजें हैं, एक तो पीली रेखा है जो कि स्त्रीलिंग है, है, और दूसरी फिर मेट्रो खुद भी स्त्रीलिंग है। हाँ, मेट्रो आई बोलते हैं। मेट्रो आई, मेट्रो चली गई, तो दोनों पीली रेखा और मेट्रो जो है अकेली बोर हो रही थी। तो जैसे ही ड्राइवर लेस मेट्रो का टेस्ट शुरू हुआ, मेट्रो कैसे बात करेगी? एक सेकंड, मेट्रो किसके पास बात करने गई ये पूछ रहे हैं? जैसे ही मेट्रो बात करने के लिए गई दीवार के पास। दीवार के पास क्यों गई? क्योंकि दीवार के पास बहुत सारी बातें होती है, दीवार के कान होते हैं। कान? तो जैसे ही मेट्रो दीवार के पास गई, उसके कान के पास, तो दीवार ने बोला इधर आ। हाँ। वो नजदीक चली गई, उस नहीं संभल पाई और दीवार में से निकल गई। हाँ, तो दीवार की दो चीज टूटी है, कान और दूसरा तो ये बताएंगे, दूसरी दीवार की। बहुत गलत बोल रहे आप। हाँ, गलत ही। इनका नाम बैरागी जी मालूम है? धतूरा मुखर्जी खुद हंस रहे थे उस पे। आप धतूरा मुखर्जी है भाई? हंस रहे हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं। बोल रहे हैं इस बार की चिट्ठी बैरागी। इस बार की चिट्ठी टोरफांडा के गांव जलूबी में सीक्रेट सेंटा के गिफ्ट में सस्ता गार्लिक पेस्ट देकर कोलेस्ट्रोल का ज्ञान पेलने वाली पलूनी चमोलिया कहती है गाइस एफ से रॉकिंग ऑसम। अरे एफ से रॉकिंग डियर, गार्लिक पेस्ट कौन देता है? 93.5 एफएम बजाते रहो जी। हेलो हेलो, थोड़ी गड़बड़ आ रही है आवाज भाई साहब। अंकिल नमस्ते। हाँ नमस्ते। कौन? मैं कह रहा था मैं बउआ हूँ, लेकिन कौन से ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है दुनिया में? काम क्या है आपको? काम ये है कि किस चीज का महत्व तो है, लोग पूछते हैं किस चीज का महत्व तो है। अरे भैया, बात किससे करनी तुमको? देखिए, करनी तो मुझे जनता से, पर कोई कोई फोन उठा के बात कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई गंदा बोल रहा है। आप अगर दो मिनट दे दें तो मैं काम की बात करके फोन रख दूं। जल्दी पूछो। है पूछना नहीं, कहना है मुझे कि महत्व किस चीज का है। खेल में क्रिकेट का, शरीर में पेट का, और कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट का बड़ा महत्व है। बताओ आगे। आगे बताऊं? व्यापार में घाटा का। हेलो भाई। लड़ाई में चाटा का, किचन में आटा का बड़ा महत्व है। बारात हमारा मेन टॉपिक, मेन टॉपिक यही है कि बारात में दूल्हे का और रसोई में चूल्हे का बड़ा महत्व है। हैं? ससुराल में जमाई का, परदेश में कमाई का, जाड़े में रजाई का और दूध में मलाई का बड़ा महत्व है। एक सेकेंड, सलाद में मूली का, फूल में जूली का, सजा में सूली का और स्टेशन पे कूली का बड़ा ही महत्व है। ये तो बता महत्व कहाँ? गलत बोल रहे। सब्जी में आलू का, बिहार में लालू का, नदी में बालू का, जंगल में भालू का बड़ा ही महत्व है। पकवान में पूरी का, रिश्तों में दूरी का और रसोई में छुरी का क्या है भाई साहब?
एक सेकंड, आप क्या गलत क्यों बोल रहे हैं? एक मिनट रुक, मैं बताता हूँ क्या बता रहे हैं आप, क्या बता रहे हैं? देश के लिए झंडे का और तेरे लिए डंडे का बहुत महत्व है। क्या बात है, देश के लिए झंडे का और मेरे जैसे के लिए डंडे का, लेकिन डंडे का करेंगे क्या आप? सड़क से घूमने वाली सांड का और डंडे से टूटने वाली। मैं जानता हूँ आप यही कह रहे हैं, बड़ा महत्व। गलत आदमी। 93.5 FM बजाते रहे बहुआ बोल रहे। हेलो हेलो, हाँ जी कौन? अंकिल जी नमस्ते। हेलो अंकल जी, किसको बोल रहे? आपको से एक मिनट बात करनी थी। हेलो, हाँ जी, मैं कह रहा था लोग ना सच जानना चाहते हैं, भविष्य जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं आने वाला साल उनके लिए कैसा रहेगा। तो हमारी तरफ से हम कई लोगों को बोल रहे हैं कि हम फ्री में उनको सुझाव देंगे। ओके। और उनको ये बताएंगे कि आने वाला साल उनके लिए, समाज के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके दोस्तों के लिए, उनके सगे संबंधियों के लिए, पड़ोसियों के लिए, पड़ोसियों के लिए और गर्लफ्रेंड के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए और किसके लिए? औकात में रहिए, आपकी आवाज से लग नहीं रहा आपकी होगी औकात। तो मज्जा मारूंगा तेरे को। सॉरी 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 सॉरी, काम की बात कर सिर्फ। मैं वही बोला, अगले साल क्या क्या होगा सुन लीजिए। देखिए, अगले साल पूरे साल भर में मिला के जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन है, एक सेकंड पेपर पे लिखा है, कुल 11-12 महीने होंगे भाई साहब अगले साल। तो इसमें नया क्या है, हर साल ही 12 महीने होते हैं। एक सेकंड, 26 जनवरी को परेड होगी दिल्ली में, शानदार परेड। अरे तू पागल है क्या? एक सेकंड, फरवरी में पूरा देश वैलेंटाइन डे मना सकता है। यार तुम हेलो, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, कट गया था। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे को रुकिए। मई और जून आते आते गर्मी पड़ सकती है अलग अलग इलाकों। पागल कोई नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अक्टूबर जाते जाते ठंड आ सकती है, नवंबर में दिवाली मनाई जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। इस पूरे साल भाई साहब, हेलो मेरी बात सुन, इस पूरे साल साइकिल हो या मोटरसाइकिल, सुनिए, वो दो पहियों पे चलाई जाएगी। ऐसा ना, वहीं आके ना फाड़ दूंगा, फोन नहीं रखा, दो मिनट फोन रख। गलत क्यों बोल रहे हैं? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। हाँ, क्या कह रहे हैं? मेरे गांव में अगले साल बांस के चार पेड़ ना 8 इंच बड़े हो जाएंगे, और वो चारों पेड़ ना घुसेड़ दूंगा, पार निकाल दूंगा। आप भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ जी कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते जी। एक सेकेंड, मैं कह रहा था, क्या कह रहा था? मेरे पापा मुझे दिमागी डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, क्या बात हो गई? तो फिर यहाँ के वाला सुबह सुबह फोन करके ये क्या बात हो गई? मतलब ऐसे किसी को, कोई अगर लॉजिकल है तो उसको आप दिमागी डॉक्टर के पास ले जाओगे? भाई तेरे को जरूरत ही लगता है, मुझे तेरे को जरूरत है, लेके जाना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, अब आप, मैं बताऊंगा तो आप बोलोगे जरूरत नहीं है, पता है क्या हुआ? नहीं है, जरूरत नहीं है। एक सेकंड, फोन क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मेरे छोटे भाई का कंप्यूटर का माउस खराब हो गया। ठीक है, तो पापा ने कहा मार्केट से जाके ओरिजिनल माउस ले आ। तो इसमें क्या हो गया फिर? मेरे को लग गए 3 साल। 3 साल लग गए तुझे? हाँ, कैसे? मैं बता रहा हूँ, बता। सबसे पहले गया मैं परचून वाले के पास, परचून वाले के पास कंप्यूटर का माउस लेने। सुनना एक है क्या? एक सुनना, मैं परचून वाले के पास गया, उससे लिया मैंने डाई। क्या लिया? डाई। वो क्या होता भाई? राई, राई, सरसों का भाई, राई। राई? हाँ, मैं डा को डा बोलता हूँ, सॉरी भाई। अच्छा। राई लेके मैं चला गया सतपुरा के जंगलों में। सतपुरा के जंगलों में क्यों गया? वहाँ पर राई का बना दिया पहाड़। क्या क्या? पहाड़ बनने में लगे 3 साल। जैसे अच्छा? पहाड़ बना, पहाड़ को खोदा, खोदा पहाड़ निकला चूहा, बस ओरिजिनल माउस मिल के मिल गया घर का। जब पैदा हुआ था सिर पे चोट लगी थी क्या? और बताए, इतना ओरिजिनल था कि वायरलेस माउस था, छोटा सा वायर था पीछे, लेकिन वायर। मैंने उसको तेरा बाप तेरे साथ सही कर रहा था, तुझे डॉक्टर का पास नहीं, पागल खाने छोड़ आना चाहिए। फिर मैंने उस वायरलेस माउस को सॉकेट में डाले तो उसके कान खड़े हो गए, पता नहीं क्यों।
हंस रहा है, मुझे भी गलत भी बोल रहा है। फोन रख जी, इतना चीची बोलता है कोई अंकिल। 93.5 FM बहुआ बोलने बजाते रहो। नमस्ते। हेलो हेलो, हाँ जी कौन? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बोल भाई। मैं कह रहा था, हाँ क्या सीन है? सीन किस चीज का? अरे बता दो। अरे भाई किस चीज का? अरे पार्टी का, न्यू ईयर पार्टी का। पार्टी का सीन होना है भाई? है? पार्टी का सीन होना है, तू बता भाई क्या करना है। नहीं मैं बोल रहा हूँ, मतलब सेट है ना सब? तू है कौन? मैं देखो, मैं बउआ बोल रहा हूँ, लेकिन ज्यादा जरूरी ये नहीं कि मैं कौन हूँ जानना। हाँ। ज्यादा जरूरी ये है कि सीन सेट है ना तेरा, फुल सीन फुल सेट है भाई। तैयारी कर ली है ना तूने? तैयारी पूरी कर ली है, तू अपनी बता। नहीं मैं इसलिए बोल रहा था कि तेरे को अकेले क्लब में एंट्री न मिले तो फिर पंगा होगा ना, मतलब। अरे हमारे को एंट्री मिल जाएगी भाई, बंदी हमारे पास, तू छोड़। बंदी के साथ है, वेरी नाइस। तो क्या तैयारी की है तूने? तैयारी पूरी सेट है भाई, पार्टी वार्टी कर लेंगे बढ़िया तरीके से, दारू वारू फुल सेट है अपनी, खंबा ले लेंगे पूरा अपना, खंबा ले ले। जैकेट जुकेट लिया है? जैकेट वैकेट सब ले लिया, लत्ते उत्ते ले लिए, कपड़े कपड़े ले लिए, कपड़े कपड़े जूते उत्ते ले लिए, टोपी उपी ले ली। ले लिया भाई। गलत क्यों बोल रहा है? गलत काम बोल रहा हूँ, बता तेरे को क्या काम है? नहीं तो गाड़ी तो कैसे जाएगा, ऑटो से जाएगा, कैसे जाएगा? गाड़ी से जाएंगे, ऑटो में जाएंगे हम, कैसी बातें कर रहा है? सॉरी सॉरी सॉरी। तो गाड़ी में गाड़ी खुद की है, बंडी की है गाड़ी? अरे अपनी गाड़ी है। तो खुद की गाड़ी है तो, और भाभी जी बोल सकता हूँ मैं बंडी को तुम्हारे, या बंडी बोलूँ? अरे भाभी जी बोल ले, क्या दिक्कत है भाई, अपनी है। अच्छा तो गाड़ी भाभी जी चलाएंगे, आप चलाएंगे? अरे मैं चलाऊंगा भाई, वो क्यों चलाएगी? अच्छा तो वापसी कितने बजे तक आएंगे आप लोग पार्टी से? अरे भाई कैसी बात कर रहा तू, बावड़ा आराम से आएंगे, एक बजे आएंगे बड़ा पार्टी करके, पार्टी करके। तो मतलब गाड़ी भाभी जी नहीं, आप ही चलाएंगे जाने आने दोनों तरफ? हाँ हम ही चलाएंगे भाई। और तूने बोला तू खंबा खत्म कर देगा, खंबा भी ले लिया तूने? बिल्कुल भाई, और इसके बिना तो पार्टी नहीं होगी हमारी, पार्टी नहीं। तू क्यों चौधरी बन रहा है? क्या हो गया? मैं पूछ ही रहा था ना, मैं आपकी मदद कर रहा था। तुम्हारी मदद मत नहीं, नहीं एक सेकंड, मैं आपको खाली एक नंबर देना चाह रहा था, नोट अगर कर लें। क्या नंबर? हेलो, वन वन जीरो जीरो टू। अरे क्या है, क्या ये भाई साहब? ये एम्बुलेंस का नंबर है, 102। तो मुझे क्यों जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ सकती है, पार्टी करेंगे, फुल टल्ली रहेंगे, गाड़ी भी आपका भाई, मतलब भाई चलाएगा, आपने बोला भाभी जी को देंगे नहीं, तो अंत में जैसे ही आपकी गाड़ी है ना, तो फिर आपको एम्बुलेंस की जरूरत पड़ सकती है, या फिर एक काम करना बा, हेलो है ना लाइन पे? हाँ। आपको क्या, आप तो ठोके पड़े रहेंगे ना, तो फिर दूसरे लोग यूज करेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, आप मत नोट करो, दूसरे खुद ही बुला लेंगे, है ना? हेलो, दूसरे खुद ही बुला लेंगे एम्बुलेंस। अरे पड़ सकती है एम्बुलेंस की जरूरत भाई साहब। चलिए ठीक है, इस हैप्पी न्यू ईयर, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। 93.5 FM बजाते रहो अंकिल। नमस्ते बउआ बोल। हेलो भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो? एक चर्चा में शामिल करते हुए मैं बउआ, और मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया, विक्रम संवत 2018 में आपका स्वागत है। हाँ, नवयुवक स्वागत भाई साहब। बोले आप आपसे ही करनी है, एक चर्चा होती है जहाँ पर हम आप जैसे एक जनता के प्रतिनिधि को चुनते हैं, और वो समाज को आईना दिखाकर समाज के प्रति अपने कर्तव्य निभाता है, और ये बैरागी जी उनसे अगर सवाल पूछना चाहें तो। मैं कह रहा था भाई साहब, हेलो, कह रहा था मैं कि रजनीकांत जी ने एक पार्टी बना दी पॉलिटिकल। जी रजनीकांत ने? हाँ रजनीकांत जी, तो जी जैसे चौका है रजनीकांत ने। हाँ जी, तो वो पार्टी क्यों बनाई, क्यों राजनीति में आया, इस पे बैरागी जी थोड़ा वो डालेंगे जो अक्सर लाइट जलाने पे आता है। बैरागी जी क्या होता है? प्रकाश होता है, प्रकाश डालेंगे। देखिए रजनीकांत को ये तो सबसे पहले उनके अंदर से ही ये चीज है कि उनको पहले पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए था, बना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो अच्छे एक्टर की अदाकारी आप जानते हैं क्या करते हैं, वो बताओ क्या करते हैं? क्या करते हैं रजनीकांत? वो मूवी बना, वो हीरो है, हीरो है, हीरो है, हीरो तो दुनिया को पता है, इसके अलावा क्या करते हैं आप ही बता दो ना, उससे पूछ रहे हो। घुमा के चश्मा पहन लेते हैं, चश्मा घुमा के उड़ा के
सिगरेट सीधा मुंह में आ जाता है। एक्सेंट भी घुमा के सिगरेट भी धोती उठाते हैं घुमा के बंद जाती है, पैर घुमाते हैं तो बवंडर आ जाता है। हर चीज घुमाने की उनके पास है। तो घुमाने का राजनीति से क्या लेन देन? नेताओं का काम क्या है अब ये बताओ? नेता भी घुमाते हैं। वाह, जब वो भी घुमाते हैं ये भी घुमाते हैं तो बन गए राजनीतिज्ञ। रजनीकांत घुमा रहे हैं, नेता घुमा रहे हैं, तो पार्टी तो बननी थी। बननी थी। इनका नाम बैरागी जी? इनका नाम है स्टिमुलेट कवात्रा, हमारे साथ जुड़े हुए। आप स्टिमुलेट कवात्रा क्या गलत बोल रहा है बैरागी जी? बात कर रहा है बैरागी जी। चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी कोलाला की राजधानी बिबलीपुर के सेक्टर 4 में उबले आलू में देसी घी डालकर देसी लिप बाम बनाने वाली विटली शिटली कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। पर एफसी रॉकिंग कौन खरीदेगा तेरा बाम पागल? 93.5 रेड बजाते रहो, बहुत बढ़िया। हेलो हेलो, पीछे बड़ी आवाज आ रही है। हेलो कौन? देखिए मैं आपको हेलो बोलूं, हाय बोलूं, नमस्ते बोलूं, क्या बोलूं? अबे कुछ भी बोल, बट जल्दी बोल, है कौन तू? जी मैं अपने आप को मैं बोलूं, मायसेल्फ बोलूं, मी बोलूं, आई एम बोलूं, या क्या बोलूं? तू एक काम कर, अपने आप को क्या बोलो, जल्दी बोल क्या बोल रहा मैं बहुआ बोल रहा हूँ। और एक सेकंड, हेलो। हाँ बोल। अब मैं तुझे बोलूं, तुमको बोलूं, तू बोलूं, आप बोलूं, या ए, ये बोलूं आपको? अबे तुझे बोलना क्या है, जल्दी बोल। नहीं मतलब मैं काम बताऊं, बात घुमाऊं, सीधा पॉइंट पे आऊं, या क्या करूं? हजार बार बोल रखा है, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, क्या पॉइंट पे आ? सॉरी सॉरी, आप गलत बोल रहे हैं। देखिए आप, तू नहीं गलत बोल रहा, साढ़े एक घंटे से एक सेकंड, मैं आपको देश के बारे में बताऊं, अपने बारे में बताऊं, आपके बारे में बताऊं, या कुछ स्पेशल डिमांड है वो बताऊं? अपने बारे में बता, कौन है तू? गलत बोल रहे हैं, मत बोलिए, चुप हो जाइए, औकात में रहिए। इसमें से क्या बोलूं मैं आपको? तुझे औकात पता है मेरी? बताओ तुझे औकात। देखो मैं आपको दोबारा समझाऊं, पुलिस को बोलूं या घर पे लड़के भिजवाऊं, बताओ? तू तू खुद आ, कितने लड़के लेके आएगा तू? अब भाई ये हेलो, अब एक बार फिर मिलाऊं ये छोड़ दूं या अपनी औकात पे आके मिला ही लेता हूं, ठीक है? हेलो। अब फिर से हाय बोलूं, नमस्ते बोलूं, क्या बोलूं? मतलब भाई साहब एक सेकंड, भाई साहब आप समझे नहीं। बेसिकली क्या है ना, मैं हर बात पे आपको ऑप्शन दे रहा था कि हाय बोलूं, हेलो बोलूं, आप गंदा बोले जा रहे हैं। एक काम कर, चल मैं तुझे ऑप्शन देता हूँ। आप क्या ऑप्शन दे रहे हैं? तुझे गाली दूं, तेरे बाप को गाली दूं, तेरे खानदान को गाली दूं, या फिर तेरी गर्लफ्रेंड को दूं? आप बहुत घटिया इंसान है, ये बोलूं हैं? आपको आपकी औकात दिखाऊंगा, ये बोलूं या चीची मत बोल, ये पागल आदमी, ये बोलूं? तू कुछ बोल मत, घटिया आदमी है, ये बोलूं? पलट के मैं भी चीची बोलूं, तुझे दोबारा लगाऊं? 93.5 FM बजाते रहो, जरूरत से ज्यादा ऑप्शन ना देना। बहुआ बल्ले बंकी, नमस्ते। हेलो, नमस्कार जी। राम राम जी। ये भी चल जाओगा, मैं बहुआ बोल रहा था। क्यों बोल रहे थे? आपके 2 मिनट चाहिए। नहीं देने तो। दिलीप बात कर रहे हैं? हाँ दिलीप बोल रहे हैं, बताइए। मैं से बोल रहा था, नंबर सही चल रहा है ना? बैलेंस चलवा दीजिए, 500 का दौड़ेगा, चलेगा नहीं? वो तो ठीक है, लेकिन एक कॉन्टेस्ट के सिलसिले में आपसे बात कर सकते हैं अगर आप इच्छुक है तो? चलो फ्री हूँ, कर लो। इच्छुक कॉन्टेस्ट को पहले 2 प्रतियोगी खेलेंगे। अच्छा, जैसे आप एक तरफ लाइन पे हो, दूसरी तरफ लाइन पे डगलस है। डगलस? आई एम डगलस फ्रॉम शाका पापा। क्या पहले आप बताइए, आपकी गर्लफ्रेंड थी? नहीं है। है भी? अच्छा, तो कितना टाइम लगा उन्हें पटाने में? बस ड्राने कर करके मान ही गई, निराना करके हाँ कर ही दिया। यानी लड़कियों के नाम में हाँ होती है, ये बात आप समझ चुके हैं? काफी टाइम बाद समझा। कॉन्टेस्ट भी यही है कि लड़की की नाम है हाँ, यानी जितने गाने जिनमें लड़कियों ने ना ना बोला है आपको हाँ हाँ करनी है बस। तो मैं एक एक करके गाना बजाऊंगा, जवाब देने के लिए सबसे पहले नाम चिल्लाना है। आर यू ऑल राइट? लेट्स प्ले द गेम। हाँ सर बिल्कुल, करें 3, 2, 1। पहला गाना डगलस। दिलीप थोड़ा लेट हो गया, बताओ। डगलस हाँ हाँ करते प्यार तुमसे कर बैठे। 1-0। चलो दूसरा गाना। नहीं नहीं डगलस, नहीं पहले दिलीप। दिलीप प्लीज टेल मी। अभी करो प्यार। अच्छा 1-0 हो गया। नेक्स्ट गाना डगलस। भाई साहब इसमें गाना है, इसमें कैसे बोल देगा ये? इसमें है ना? ना कहाँ है? गाना बजाओ, गाना बजाओ फिर से। दुग्गल जी साथ में सुनियो। गई लग गई हाँ। जमाहा कहे। जमाहा मतलब? जमाहा ना को हाँ करना ना, जमाना का जमाहा कर दी। जमा आई एम डगलस फ्रॉम शकरापो। गलत शकरापो का रहा।
आप क्या करिए, दुग्गल जी 3-1 हो गया है। आई एम विनिंग दिस। तुम दोनों रहे हो? नहीं, हम एक सेकंड रुको, एक आखिरी गाना भाई साहब, एक सेकंड। डगलस, इसमें तो लड़की गाई नहीं रही, इसमें कैसे हो जाएगा? तो लड़का गा जाए, लड़की तो है ही नहीं। डगलस, लड़का लड़की आके समझ में एक जैसे होते हैं, बराबर होते हैं ना, ना तो ना रहेगी ना। हाँ कर देगी, हाँ मोतियों के हार, हाँ कोई, हाँ कर देगी, हाँ मोतियों के हार, हाँ कोई क्या सिंगार, फिर भी मैं सुंदर हूँ। फोन का जी आई, योर नेम इज डगलस फ्रॉम शारा करा। हेलो, अपने अपने तरीके से लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही थोड़ी आपका आशीर्वाद देगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे। हाँ फोन लगे। हेलो, हाँ जी मोहन भाई साहब, मैं बउआ, मेरे साथ स्वयं नंद किशोर बैरागी जी शामिल हो चुके हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरे रॉन्ग नंबर लग गया भाई साहब, एक सेकंड रुकी, आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? किस चीज के लिए तैयार हैं? चीज के लिए हर हफ्ते एक चर्चा होती है जहां पर हमारे एक्सपर्ट बैरागी जी और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि जुटकर किसी सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर समाज को आईना दिखाने का आपका जो कर्तव्य है उसका पूरा पूरा पालन करते हैं। तो मेरे को क्यों चुना भाई साहब? इसके लिए देखिए क्या चुनने को, हमने पहले निर्मा चुनी थी, झाक कम आई, तो इसके बाद हमने सोचा आपको चुने। अरे बोलिए भाई साहब। तो बैरागी जी, दिवाली का ये त्यौहार, आपको मुबारक भाई साहब, आपको भी हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू जी, आपको भी। तो दिवाली का त्यौहार, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है पटाखे। पटाखे तो पटाखे छोड़ने चाहिए या नहीं छोड़ने चाहिए, पहला सवाल तो ये बैरागी। पटाखे छोड़ने चाहिए क्यों नहीं छोड़ने चाहिए? एक सेकंड, आप मत बोलिए ना, आप सवाल पूछे, बैरागी जी बताइए। पटाखे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, मम्मी पापा से बात करनी चाहिए, मिलवा करके लड़की को, फिर बाद में अपना पागली पटाखे नहीं छोड़ना। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर हम क्रैकर्स के बारे में बात करें तो उसमें सबसे अच्छा पटाखा आपको कौन सा लगा भाई साहब? आप भी फोड़ते हैं? हाँ जी फोड़ते हैं बिल्कुल। हाँ तो बताइए बैरागी, सबसे इम्पोर्टेंट पटाखा। आप फोड़ते हैं, हम तोड़ते हैं दांत। बाकी मैं बता रहा था कि सबसे अच्छा तोड़ेगा। एक सेकंड, गले पटाखे के बारे में बताइए। सबसे अच्छा पटाखा जो है वो रॉकेट होता है। अपनी वाह, मेरा शायरी का अच्छा शौक है। एक सेकंड, रॉकेट क्यों भाई साहब? आपके जहन में सवाल नहीं है रॉकेट क्यों? हाँ बताओ बैरागी। देखिए रॉकेट नाम का पटाखा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा कैसे? जीवन का मूल मंत्र सिखाता है। क्या मंत्र? अच्छा, कहता क्या है कि अगर ऊपर जाना है हाँ, तो बोतल का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। डू नॉट ड्रिंक, गलत मत बोलिए भाई साहब। इनका नाम क्या है? बड़कल बब्बू हमारे। आप बड़कल बब्बू हैं? फोन नहीं करता बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी बहुत ही रोमांचक त्यौहार से रिलेटेड है जी। सैन फ्रांसिस्को के बारूदपुर बॉर्डर से, अरे वाह, सांप वटी जलाकर, सांप वटी सांप की जो गोली होती है उसे जलाकर वो फर्श पे जो निशान आता है हाँ। उसे एसिड से मिटाने वाली सिप्पी सिनाला कहती यू गाइस आर एफसी रॉकिंग। सिप्पी जी एफसी रॉकिंग नहीं होता, हैप्पी दिवाली आपको। हेलो, हेलो जी, नमस्कार अंकिल। नमस्कार जी, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? मैं, और मेरे साथ नंदी किशोर बैरागी जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी, किससे बात करनी है आपको? आप तैयार हैं तो हमें आप ही से बात करनी है। तैयार किस चीज के लिए? इस चीज के लिए, एक बहुत बड़ा मुकाबला हर हफ्ते। हेलो, कौन सा मुकाबला? इस पे चर्चा होती है किन्हीं सामाजिक पहलुओं पर, और एक आदर्शवादी एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी हमारे साथ होते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जनता की तरफ से हर हफ्ते होते हैं एक प्रतिनिधि। बैरागी जी कौन है? ये एक्सपर्ट है हमारे। इस चर्चा में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो अपनी हामी भरिए। और अगर शामिल नहीं होना चाहते हो तो? यार कोई जिम्मेदारी है समाज के प्रति। अरे भैया क्या क्या जिम्मेदारी है? बैरागी जी जी, आज की चर्चा का विषय है कि उल्टा चोर जी कोतवाल को डांटे। तो ये मुद्दा है? बचपन में पढ़ाई लिखाई करी नहीं करी? क्यों, क्या हुआ? मुहावरा है भैया, मुहावरा। तो मुहावरा भी एक मुद्दा नहीं बन सकता? मुहावरा मुद्दा कैसे बन जाएगा? ए, गंदा बोल रहे हैं आप। एक छोटे से ब्रेक के बाद बैरागी जी, इनके अपशब्द के लिए मैं माफी चाहूंगा। तुम दोनों नहीं, मैं बउआ हूँ, ये बैरागी जी है। ये तुम्हारा जो मुद्दा है दिमाग की करेंगे, दिमाग का हम कुछ नहीं करेंगे। छोटा सा ब्रेक, उल्टा चोर कोतवाल को क्यों डांटता है? पहली बात ये है, बता। हाँ बताइए, पूछ। पहली बात ये है कि डांटने के लिए कोतवाल होने की जरूरत। बहुत बड़ा खुलासा, डांटने के लिए कोतवाल होने की जरूरत नहीं है। बचपन में आपने कुछ भी चुराई, छोटी मोटी चीज, वो आपके पिताजी डांटते थे, क्या वो कोतवाल थे? बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने, वो कोतवाल तो नहीं। एक सेकंड, छोटा सा ब्रेक और स्वागत है फिर से। बार बार ब्रेक ले रहे हो, एक छोटा ब्रेक अपने में भी ले लो। नहीं, बैरागी तो नहीं, गंदा मत बोलिए। उल्टा चोर कोतवाल को क्यों डांटता है? उल्टा क्यों?
देखिए चोरी करना घिनौना काम है। भाई साहब आप लाइन पे हैं? बकवासी करो करो लांटी हूँ। घिनौना रूठिए नहीं, चोरी करना घिनौना घिनौना काम है, और जिससे कि चोर चोरी करने के बाद अपना मुंह नहीं दिखा पाता, क्योंकि वो मुंह दिखाने लायक काम ही नहीं करता। बिल्कुल, इसलिए वो क्या होता है उल्टा हो जाता है, अपना मुंह छुपा लेता है। एक सेकंड, जैसे ही वो उल्टा होता है वो कमर दिखाता है, पैर दिखाता है, टांगे दिखाता है, पीठ दिखाता है, पीठ दिखाता है। भाई साहब ऐसे तो भी दिखा सकते हो, वो तो दिख ही नहीं, आप देखना ही वही चाहते हो तो वो देखना। तू चैन नहीं, वो उल्टा होता है, वो कोतवाल को डांट देता भी ना मुझे, इसलिए डांटता है। बड़ा सवाल इस जागरूक नवयुवक का फिर से मैं जनता के समक्ष रखना चाहता हूँ, जनता के प्रति। आप पूछ रहे हैं कि वो कोतवाल को क्यों डांटता भैया? क्यों डांटता भैया? देखिए मैंने बहुत सी चीजें बता दी है, हाँ। इनका जो बेहुदा सवाल है उसका ठेका नहीं लिया हुआ। चपलेश जी, ये इतने सवाल अगर आपको पूछने हैं तो जाके सीबीआई में भर्ती हो जाइए। कौन चपलेश जी? चपलेश कौन है? चपलेश इनका नाम लिस्ट में दिया हुआ। चपलेश चंद आप ही हो गया। आपको अगर बोलना है बैरागी जी बात करिए। जी बोलिए। बैरागी जी क्या बात करेगा, बड़ा अच्छा बोलते हो, कहीं भाषण क्यों नहीं देते? चपलेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चपलेश होगा तेरा बाप। फोन कट गया, अगले हफ्ते फिर से इसी चर्चा में मुलाकात होगी। मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी, बहुत शुक्रिया। मैं बबुआ और कैमरामैन प्रकाश लोसन। और विजय जी देश से बाहर चले गए, इसी बात पर पॉलिटिक्स भी हो रही है, बवाल भी हो रहा है, हेडलाइंस भी बन रही हैं। लेकिन क्या बउआ बैरागी जी के साथ इसी बात पे चर्चा कर सकते हैं? यही टॉपिक मिला और क्या मजे लिए बउआ और बैरागी जी ने मिलके, सुनिए। हेलो। हाँ जी नमस्ते भाई साहब। नमस्ते, कौन जी? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी स्वतः। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कौन बैरागी? कौन एक्सपर्ट? एक्सपर्ट होते हैं परम ज्ञानी। अब किससे बात करनी है? मैं कह रहा हूँ कि आप तैयार हैं तो हम सारे डिटेल दे देंगे आपको। तैयार हूँ मैं, बिल्कुल कोट पैंट पहन के रेडी खड़ा हूँ। बता। नहीं उसके लिए नहीं, इतनी तो? इतनी तैयारी नहीं इसके लिए। एक चर्चा होती है हर हफ्ते, हाँ, जहाँ बैरागी जी एक विशेष टिप्पणी करते हैं। आप जैसे जनता का एक प्रतिनिधि होता है। हूँ क्या? अगर आप रेडी हैं इस चर्चा के लिए तो बताइए, हम शुरू करते हैं। अब क्या? एक छोटा टॉपिक होता है, प्लीज बता। इन्होंने बता बोल दिया। और भाग लेने से एक याद आया, इस बारी का मुद्दा है कि विजय नाम का एक शख्स वो भी भाग गया है। कौन विजय? अरे वो विजय माल्या। कौन? वो जिसका ठेके चलते है। सर आपकी कंपनी है, ठेके तो गरीबों के होते भाई, उनके कैलेंडर भी आते हैं। कैलेंडर आते हैं तो वो भागी क्यों है बैरागी जी? इसके पीछे का मुख्य कारण बताएंगे बैरागी जी। अब उसने कर्जे लिए ना बैरागी, क्या एक्स्ट्रा बताएगा उसके बारे में? एक आप सुन तो लो, दो मिनट तो दो, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा बता दे। नया ही बताऊंगा। बता। हाँ बताइए बैरागी जी। आप देखिए, हर कोई जानना चाहता है कि विजय क्यों भागा, भागा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आदमी पहले शराब पीता है, फिर शराब आदमी को पीती है। नहीं ऐसा नहीं, फिर आदमी जो है नमकीन खाता है। अच्छा, तो उस आदमी की खासियत ये थी, आप उसके नाम पे अगर गौर करें तो विजय मान लिया। आज जब वो कर्ज में डूबा हुआ है तो वो पैसा ही लेने गया है, यानी विजय माल लेने गया है। माल लिया तो पहली बार शराब बेचने वाले का घर उजड़ गया, पीने वाले का नहीं। भाई साहब ध्यान देने वाली बात है, बड़ा परम ज्ञानी नहीं लग रहे आपको बैरागी जी? बैरागी जी को डंडा देकर निकाल लूंगा सारा ज्ञान। इतना बड़ा धर्मार्थ कार्य करके वो आदमी जा रहा है। धर्मार्थ कार्य कैसे? आपको नहीं मालूम, राजा मछुआरा नाम की बोतल जो उन्होंने बनाई है। कौन सा मछुआरा? राजा मछुआरा। ये क्या है? किंग फिशर। अच्छा, जिन जिन लोगों ने विजय जी को कर्जा दिया है, अब अगर उन्हें गम है तो वो उन्हीं का राजा मछुआरा बोतल लेकर गम गलत करते हैं आराम से। क्या बात है, मतलब बैरागी। बहुत बढ़िया बैरागी। बैरागी जी इनका नाम क्या है भाई साहब? ये भाई साहब टीपू झनकाटे हैं हमारे। आपका नाम टीपू झनकाटे है? टीपू झनकाटे नहीं है साले, तेरे को बहुत मेहनत का काम होगा। बहुत बढ़िया, बस करिए, गलत बोल रहे हैं बैरागी जी को। इतनी देर से बकवास कर रहा है, फोन काट बे। हेलो भाई, भी किया टीपू झनकाटे ने फर्स्ट टाइम फोन काटे बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी का है? इस बार की चिट्ठी बहुत ही प्यारी जगह पेंजोरिया, आपने सुना? ओ मैं अभी जस्ट सुना, अभी पेंजोरिया की राजधानी से पुरानी नेल पॉलिश उतारने वाली वाह जेंगो फंटासा। कहती है यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम, जेंगो फंटासा और अलग सा एक चुंबन बनाया स्माइली। वाओ फंटासा जी, एफसी रॉकिंग नहीं होता। बहुत शुक्रिया फंटासा। मतलब ये डायलॉग अक्सर सुनाई देता है। एक सेकेंड, मतलब ये बोलते हैं ना ऐसा, मतलब
कि तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या, सुधर जाओ। तो इसी बात में बहुआ ने मजे के लिए सुनी। हेलो, नमस्कार अंकल। नमस्कार अंकल कौन? अजी नहीं, हमारे यहाँ सभ्यता संस्कृति में ऐसे बोलते हैं। नमस्कार अंकल। सभ्यता संस्कृति छोड़, तू कौन है ये बता? जी बहुआ बोल रहा हूँ। बहुआ बोल रहे तो मैं क्या करूँ? दो मिनट दे दो अपना काम बोल यार। काम ये बोल रहा हूँ कि आज अगर मैं बोलूंगा तो तेरी को बुरा तो नहीं लगेगा? तू काम तो बोल, तभी तो पता चलेगा बुरा लगेगा नहीं लगेगा। मैंने अभी अभी घर शिफ्ट किया है, तेरी से एक मदद चाहिए थी। आप बोल, क्या मदद चाहिए? जल्दी बोल। जल्दी बोल, इतना जल्दी में क्यों है? जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। अरे इतना जल्दी नहीं, तेरी तरह वेले नहीं है, फोन करके दिमाग खराब। जल्दी बोल। जी सर, तो घर पे ना सामान वगैरह तो शिफ्ट कर दिया। अच्छा, लेकिन पंखा नहीं है। तो पंखा नहीं है तो मैं तेरे को पंखा लगाने वाला लगा? नहीं। फिर एक मदद तू कर दे। हाँ बोल, क्या मदद करनी है? वही तो बोलने में संकोच लग रहा है। हाँ बोल, जल्दी बोल। पंखा नहीं है तो सुन, तो पंखा नहीं है ना मेरे यहाँ? हाँ पंखा नहीं है। आगे तो मैं तेरे से पूछ रहे थे कि क्या? हाँ तेरे घर पे? हाँ पक्का बोल दूँ ना? बोल, जल्दी बोल दे, नहीं तो नहीं बोले तो फोन काट। सॉरी, काटे। सॉरी। आप बोल, मतलब सिर्फ एक रात की बात है। मैं आपकी बता दूँ, सॉरी, मतलब तेरे घर पे हाँ माँ बहन है क्या? क्या बोला तूने? क्या क्या दोबारा बोलियो? नहीं दोबारा में ही तो प्रॉब्लम है, जल्दी बोल दो। सॉरी, तेरे घर पे हाँ माँ बहन है कि नहीं है? तेरे घर पे माँ बहन नहीं है क्या? के बिना माँ के पैदा हुआ? इसीलिए नहीं बोल रहा था मैं, तू ही कह दे, बोल दे बोल दे। इसीलिए मत बोला कर, इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि पंखा है नहीं, एक रात गुजारनी है, माँ बहन नहीं होंगी तो मैं आ जाऊंगा क्या? लेडीज लोग रहती हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है ना। चल अंकल, पागल एक सेकंड। हेलो, रौनक के साथ गुड मॉर्निंग सुपर 3.5 पर स्वागत आप सभी लोगों का। और भैया मेनका गांधी जी मैडम जी ने, मिनिस्टर मैडम जी ने दिल्ली मेट्रो से गुजारिश करी है कि क्यों ना एक ऐसा रूल लाया जाए जहां पर अगर 8 डब्बे की मेट्रो है यानी 8 कोच की मेट्रो है तो उसमें से 3 कोचेस सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व किए जाएं, जिसमें से पहला डब्बा, आखिरी डब्बा और बीच में एक डब्बा। इसी बात पर एक भाई साहब इतने फ्रस्ट्रेट गए ये खबर सुन के कि हमको फोन लगा के कहते हैं, अगर आप फोन लगाओ कि नहीं महिलाओं के लिए एक डब्बा बड़ा है, चलो जी मैं मानता हूं डब्बा बड़ा है, तो ये मेक श्योर करिए कि वो हमारे मर्दों के डब्बे में ना बैठने आए। नहीं, वो मर्दों का डब्बा नहीं है, वो कॉमन डब्बा है। अरे यार, उसको फिर मर्दों का डब्बा घोषित कराओ। मेन फ्रस्ट्रेशन क्या है, अगर सरकार चाहती है कि महिलाओं के 3 डब्बे हो तो कर दे, हाँ, पर मर्दों के भी 3 डब्बे होने चाहिए, होने चाहिए। तभी कंधे से कंधा मिलेगा, आप ये कह रहे हैं। हाँ, तभी बैलेंस होगा कंट्री, तभी पार्शियलिटी नहीं होगी। और एक बार वैसे चिल्लाओ जैसे तुम्हारा स्टाइल था, कैसे कर सकती है ऐसे सरकार? इन भाई साहब की चिल्लाने पर जनता ने कैसे रिएक्ट किया दिल्ली के? हेलो, ये माहौल ना बिल्कुल चेंज हो जाएगा, साला आदमियों के आंदोलन निकला करेंगे, जैसे नारी शक्ति निकलता ना ऐसे आदमी शक्ति आंदोलन निकला करेगा। जो अभी सज्जन कह रहे थे कि मर्दों का भी अलग डिब्बा होना चाहिए, बाकी सब तो होने का है, और हिंदुस्तान में महिलाओं का औसत देखिए ना, एक डब्बे में आप चिमटा देते हो। हाँ सर, एक्चुअली ये जो लेडीज वाला है वो बिल्कुल सही बोल रहा है बंदा, क्योंकि लेडीज अपने वाले कंपार्टमेंट में अगर जाती हैं तो उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, वो उनको धक्का दे सकती हैं, वो उनको टकरा जाती हैं तो वहाँ उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। लेकिन जब जेंट्स वाले कंपार्टमेंट में आती हैं, अगर कोई टकरा जाता है तो वो खींच के थप्पड़ मार लेती हैं और सीटों पे भी कब्जा कर लेती हैं। कब्जा कर लेती हैं। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर बरखा त्रेहन मैडम जी हैं, जो कि मर्दों के अधिकार के लिए काफी लड़ाई लड़ रही हैं, एक संस्था से हैं। सो मैम, इस पर क्या बोलेंगे आप? जब हम इक्वालिटी की बातें करते हैं तो फिर ये वुमेन के लिए क्यों इतना स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए? वो ऑड इवन फॉर्मूला में भी जो अरविंद केजरीवाल जी चला रहे हैं, क्योंकि 5000 साल की हिस्ट्री है जहां पर महिलाओं को दबा के रखा गया ऐसा हो तो इसका क्या मतलब है? क्यों महिलाएं क्या सक्षम नहीं है? अगर उनके लिए सीट है तो बैठ जाए, नहीं है तो नहीं बैठे, क्या उनको क्या प्रॉब्लम है? दे आर वेल एजुकेटेड, दे आर फिजिकली गुड, तो क्यों उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट, उनको बैठने के लिए क्यों कहा जाए? ओल्ड सिटीजन के लिए होना चाहिए सिर्फ। चलिए, सारा मुद्दा इसीलिए गरमाया क्योंकि वो भाई साहब ने हमारे को फोन करके चिल्लाया। पर आखिरी दो लाइनें किसी ने लिख कर भेजी है कि सिर्फ कानून नहीं दिला सकता मुझे समानता का अधिकार, इसके लिए जरूर है छोटी मानसिकता का बहिष्कार। भाई साहब आप लाइन पे हैं, वैसे चिल्लाएंगे क्या? सरकार, थैंक यू। 93.5 बजाते रहो। हमारी घड़ी में इंसान को अपने काम से प्यार करना चाहिए, यही टॉपिक बहुआ को मिला। बहुआ ने इस पे क्या किया? हेलो पापा, आप समझते क्यों नहीं है मेरी बात? तू मेरी बात नहीं समझ रहा ना? ऐसे कैसे? कौन है, किससे बात कर रहे हैं? एक सेकंड अंकिल, नमस्ते। नमस्ते। बहुआ बोल रही हूँ। अच्छा, हाँ बोल। और ये मेरे पापा हैं। नमस्ते बेटे।
एक सेकंड, आप क्यों लेकिन जूते को चुम्मी ले रहे हो? पांच नंबर का जूता दे, उसकी पप्पी लेनी। पांच का कौन है? एक सेकंड, ये है जूता, ये जूता है मेरे पापा, ये है जूता, जूते की पप्पी ले रहे हैं, चुम्मी ले रहे हैं जूते की, ये जूता। छह नंबर का भेजियो। एक सेकेंड, हेलो, हाँ हेलो, मैं बताता हूँ आप, ये कहते हैं कि आदमी को अपने काम से प्यार करना चाहिए, काम से प्यार करना चाहिए, हाँ काम से करना चाहिए, फिर इनका आजकल जूते का काम है, हाँ तो जूते से प्यार करता है के? हाँ, पप्पी नहीं ले रहे पांच नंबर के जूते की। नौ नंबर भेज रहा मिंटू, ये देख नौ नंबर की, ये जूता जूते से प्यार हो गया, ये देख जूते को चुम्मी ले गया, बावली क्या जूते से चुम्मी ले रहा है, सुनिए, इन्होंने 1970 में BDS बॉम्बे यानी डेंटल का काम किया, दांत के डॉक्टर बने। अच्छा। उसके बाद काम से इन्हें इतना प्यार हो गया कि वो दांतों को निकालती थी लोगों के मरीजों के और दांतों को चूसते थे, दांतों को चूसता था। काम से प्यार, इसके बाद इनका काम होता है? एक सेकंड, इनका फिर सैलून का काम आया। अच्छा। जहाँ पर ये किससे प्यार करते? बालों से। करेक्ट, इनने यही किया, दिन भर बाल काटते, जो बाल बचता उसको दांत को कुकर में डाल के दो सीटी लगा देते दाल के साथ। अच्छा जी, कैसा आदमी है? आपके दाल की कटोरी में एक बाल आ जाए पूरा दाल फिक जाता है, ये जानबूझ के दालों में बाल डालते थे, चूसता था फिर। हाँ। अपने काम से प्यार करता। अरे वो बाल था सलजम थोड़ी, बहुत प्यार करता है अपने काम से, और इतना करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं अपने काम से। एक तो अभी हाल ही में इनने गाड़ी धोने का काम किया था। अच्छा, पता है गाड़ी के प्यार हो गया? गाड़ी कैसे धोती थी? गाड़ी ऊपर से तो चाट देता था सारी, लेकिन टायरों में रोड़ी फंसी रहती ना, वो जीप से खींचते कई बार दांत दिक्कत होती, दांत से रोड़ी खींच देता था। अबे कैसा आदमी है तू, वेल्डिंग का काम शुरू कर ले अब तू। वेल्डिंग के काम में किस चीज से प्यार कर सकते हैं ये? सरिया। सरिया, सरिया मुश्किल है बेटे, दांतों से चलेगा नहीं, उम्र भी तो हो गई। हाँ, सरिया कैसे लेना अपने सरिये से सर भी खुलते हैं। खोपड़ी खोपड़ी, हाँ तो खोपड़ी अपनी ना, तेरे खोपड़ी में दूंगा NH10 बना दूंगा, चुप रहा। अच्छा, इसके लिए 10 नंबर का जूता रही हो मोंटी। हाँ जी, देखो कुछ भी है। सुपर हिट्स 93.5 पर मैं हूँ रौनक, डॉक्टर सुकुमार अविश्वास इंस्पायर्ड इस कवि सम्मेलन में आपका स्वागत है, जिसमें पूरे हफ्ते का हाल आपको मिल जाता है। लेकिन शुरू करने से पहले दो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि हर किसी के हाथों बिक जाने को तैयार नहीं। अरे भाई, ये मेरा दिल है, आपके शहर का अखबार नहीं। और हाल ही के दिनों में इन अखबारों ने कईयों को हीरो बनाया, उनमें से एक है अपना कन्हैया भाया, जिसको एक लड़की की तरफ से चैलेंज आया। अरे जानवी का कन्हैया को एक ओपन चैलेंज आता है, और बांग्लादेश धोनी का फोटो में सर कटवाता है। अरे तुम्हारी इस बेवकूफी पे मुझको है इतना कहना, तो कोई मुझसे पूछा था भाई बांग्लादेश की ओलंपिक टीम क्यों नहीं है? भाई जो वहां भाग सकते थे, दौड़ सकते थे, कूद सकते थे, तैर सकते थे, वो सब बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आ चुके हैं। अरे कि तुम्हारी इस बेवकूफी पे मुझको है इतना कहना, अरे खरीदे मैप भारत का तो तुम्हारा फ्री में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिल्ली ले चलते हैं। दिल्ली में एक कल्चरल फेस्टिवल होने वाला है, किसी ने कहा इस कल्चरल फेस्टिवल में और विजय माल्या में एक चीज कॉमन है, इन दोनों की वजह से बैंक को खतरा है। अब विजय माल्या की तरफ से उन बैंकों को जहां से उन्होंने लोन लिए थे, और इस कार्यक्रम की वजह से यमुना बैंक। अरे कल्चरल फेस्टिवल खातिर सूखा यमुना का पानी है, अरे इंडिया पाक वाले मैच की जगह बदली जानी है। तो हम कहना चाहेंगे कि सिर्फ वेन्यू बदला गया है, मेन्यू नहीं, उनको हार ही मिलने वाली है। अरे कल्चरल फेस्टिवल खातिर सूखा यमुना का पानी है, इंडिया पाक वाले मैच की जगह बदली जानी है। अरे वहां सर माल्या भग गए देश के बाहर, ये गम है, तो गम गलत करने की खातिर उन्हीं की बोतल लानी है। तो उन्होंने कैलेंडर भी निकाला और बोतल भी निकाली है, इसका मतलब ये है कि कैलेंडर वाली लड़की अगर आपको ना मिले तो आप गम गलत करने के लिए उन्हीं की कंपनी का बोतल ले सकते हैं। अरे गम गलत करने की खातिर उन्हीं की बोतल आनी है, अरे खरीदोगे जो तुम बोतल, सेल इनकी बढ़ जानी है, और सेल जो इनकी बढ़ जाए उधारी तभी चुकानी है। कि अब मैं बंद करता हूँ, हमें क्या गा 93.5 बजाते रहो।
शुक्रिया। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कहाँ जुड़ने के लिए? नहीं, ये बैरागी जी की आवाज़ थी, मैं बउआ बोल रही हूँ। अगर आप तैयार हैं तो हम बताएं आपको शुरू करके। कहाँ के लिए तैयार? एक अद्भुत चर्चा जो हर हफ्ते होती है, ताबड़तोड़ खबरें इस चैनल पे। भाई साहब जी, शायद आप कहीं ट्रैफिक में फंसे, बड़ा शोर आ रहा है पीछे से। हल्का आ रहा है। तो एक मुद्दे पे हम चर्चा करते हैं जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट होता है और आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि। अच्छा, तो किससे पूछ के बनाया प्रतिनिधि? अब पूछना अच्छा। क्या इसमें जिम्मेदारी की बात होती है? जनता के प्रति, मतलब समाज के प्रति आपका दायित्व से निभाइए। बोलिए, कर सकते हैं क्या, थोड़ा समय निकाल सकते हैं? जल्दी करो फिर, जल्दी करो फिर। इन्होंने हाँ बोल दिया। बैरागी जी, चर्चा शुरू की जाए। इस बारी की चर्चा का मुद्दा ये है कि भेड़ चाल। जी, भेड़ चाल, जैसे आपके पीछे जो आवाज आ रही हो, भेड़ चाल का एक हिस्सा ही है। हेलो। अरे भेड़ चाल क्या होती है? शतरंज में तो सुना है, घोड़े की चाल, हाथी की चाल, ऊंट की चाल। है यही सवाल कि भैया ऊंट, हाथी, घोड़ा, हाँ, इनकी चाल होती है, भेड़ चाल बैरागी जी की। आप ध्यान दीजिए, हाँ, भेड़ के साथ जुड़ा होता है ऊन। भेड़ से ऊन निकलते, सही बात है। ठीक है, भेड़ चलती है, ऊन उगती है। हाँ। ऊन से क्या जुड़ी हुई है? सर्दी, स्वेटर। सर्दी, स्वेटर, ठीक है। सर्दी से क्या जुड़ा हुआ है हमारी दिल्ली? दिल्ली, हाँ, दिल्ली सबसे ज्यादा। भाई साहब जी, महानगरों में सबसे ज्यादा सर्दी दिल्ली में ही होती है। और दिल्ली में क्या है? संसद। संसद भी है। संसद से देश चलता, देश चलता है। और देश चलाने के लिए क्या चलना पड़ता है? चाल। बहुत बढ़िया। तो आपको मैं बता दूं, कहानी शुरू हुई थी भेड़, हाँ, ऊन, स्वेटर, सर्दी, दिल्ली, संसद, चाल। वाह वाह वाह, क्या कनेक्शन है बैरागी जी। यानी बात शुरू हुई भेड़ से और खत्म हुई चाल, चाल पे। इसी को कहते हैं भेड़ चाल। बहुत बढ़िया भेड़ जवाब। क्या आपने तो जवाब भी बिल्कुल चर्चा पहली बार। क्या नाम है इनका बैरागी? जबरेश रोहिला। जबरेश रोहिला। जबरेश रोहिला जी, ये किसका नाम है? आपका नाम कागजों में आया हुआ हमारे पास। तेरे बाप का नाम होगा जबरदेश रोहिला। बस करिए, एक सेकंड। प्यारा सीखेंगे तो पीछे जो हॉर्न बज रहा है आपके कान में डाले जाएगा। कैसे कान? मैं तेरी में डाल दूंगा पूरे। अभी आप स्कूटर चढ़ने वाला जो आया पीछे, तेरी चढ़ा के पीछे। जबरदेश फोन रखो, दिमाग से अमीर फोन रखो। तेरी बैरागी की औलाद, नंद किशोर बैरागी जी फोन कर। लेकिन इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है वो पढ़ा दो। की चिट्ठी बहुत ही प्यारी जगह, टोरंटो। आपने सुना? टोरंटो काफी सुना है। टोरंटो के गांव जाहिलपुर से मोमोज की चटनी पीसने वाली फेंगसुई बत्रा। फेंगसुई खुद कहती है कि यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। थैंक यू फेंगसुई बत्रा, लेकिन एफ से रॉकिंग नहीं होता। जो भी होता है फेंगसुई, वी लव यू। ओके, थैंक यू। कहते हैं जब बाप का जूता बेटे के पैर में आने लगे, इसका मतलब बेटा बड़ा हो गया। लेकिन क्या बउआ बैरागी जी के साथ मिलकर इस पे कोई मजे ले सकता है? बउआ ने क्या किया, ये जरा सुनते हैं। हेलो, नमस्ते अंकल। अबे अंकल नहीं हूँ मैं, सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। सॉरी। और मैं नंद किशोर बैरागी। मैं कौन बउआ? और बैरागी जी ने भी आपको नमस्ते किया है। हाँ नमस्ते, लेकिन कौन बउआ कौन बैरागी? बताएंगे अगर आप तैयार हैं। पहले ये बताइए किस चीज के लिए? हर हफ्ते एक स्पेशल चर्चा जहाँ पर आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता की तरफ से। भाई साहब, हेलो। हाँ बोल। जनता की तरफ से आप जैसा एक प्रतिनिधि जुड़ जाता है। भाई कौन प्रतिनिधि, कौन जुड़ रहा है? एक सेकंड, मैं समझ रहा हूँ आवाज कट रही है, लेकिन बैरागी जी एक्सपर्ट हैं, वो उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आप प्लीज अगर दो मिनट का समय निकाल सकें। भाई मैं समझ ही नहीं रहा हूँ, तू पहले ठीक से बता, मैं बात करूंगा वरना मैं फोन रख दूंगा। फोन नहीं, मैं कह रहा हूँ हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आर यू रेडी फॉर टू मिनट्स प्लीज? बोल। सहमति आई है। सहमति आ गई। इस हफ्ते की जो चर्चा है उसका मुद्दा है कि जब भी किसी बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाए तो बेटा बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाता है, लेकिन ये बात आई कहाँ से? इस पर प्रकाश डालेंगे हमारे नंद किशोर बैरागी एक्सपर्ट। हाँ बैरागी, बताओ क्या होता है? बताओ क्यों। देखिए बहुत ही पुराना मुद्दा है, बात जाबड़ नगर की है। अच्छा। जाबड़ नगर में कुंदन कलेसी नाम का व्यक्ति रहता था। वहाँ के कुंदन कलेसी के जूते में उनके बेटे पुतिन कलेसी का पैर आने लगा। क्या नाम रखा था उन लोगों ने आपस में? उनकी माँ रिहाना कलेसी। ओए कलेसी कौन है भाई? आप पहले सुन लीजिए पूरी कहानी, ठीक है? तो उनकी माँ रिहाना कलेसी ने कहा हाँ। कि देखिए लड़का बड़ा हो गया, इसकी नौकरी का देख लो। तब बाप ने
नियम लिया कि बेटा रात को या तो चौकीदारी की नौकरी करेगा जी, या सुबह अखबार फेंकेगा, या फिर कॉल सेंटर में जाएगा, या फिर कॉल सेंटर में, क्योंकि इससे ये होगा कि अगर बेटे के बेड में बाप का जूता आ जाए तो बाप दिन में काम करे, बेटा रात में, एक जूते में काम चले रहे, क्यों भाई साहब, दोनों लोग कमाएंगे अपना। तो मैं क्या करूँ उसमें, नाम क्या इनका बैठागी, इनका अलबट्टू, अलबट्टू मिश्रा, अलबट्टू मिश्रा जी आप, तेरा बाप होगा अलबट्टू साले, मेरा दिमाग साफ कर, गंदा बोल रहे हैं आप, चल उसका एक बेटा है वो रात में काम करेगा, अगर उसके चार बेटे हैं तो फिर क्या करेगा। अच्छा अच्छा, अगर चार बेटे, सीधी सी बात है, तीन बेटे तो कावड़ लेने चले जाएंगे नंगे पाँव, हो गया मैं बस करिए, इस चर्चा को ही खत्म करेंगे अलबट्टू मिश्रा जी के साथ, मैं आनंद किशोर बैरागी और मैं बहुआ अलबट्टू, अलबट्टू तेरा बाप होगा अलबट्टू, आप ही बोल रहे हो। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई बैरागी जी? देखिए इस बार की चिट्ठी बुल्गेरिया की राजधानी रफलोंचा से, रफलो वहाँ से कुमारी बबली हेंड्रिक्स लिखती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम, एफ से रॉकिंग नहीं होता बबली, थैंक यू हेंड्रिक्स। एक सेकेंड, यहाँ गड्ढा खुदेगा, अभी खोद डालूंगा पूरा गड्ढा, हेलो मैं बोलेगा हेलो क्या, सॉरी गड्ढा खुदाई फिर से चलेगी, बहु अमरीका जाके जाएगा, एक सेकेंड, अरे ये यहाँ खोदे, यहाँ खुदाई होगी, इधर खुदा है, उधर खुदा है, जिधर नहीं खुदा है बहुआ खोदेगा, अरे पागल आदमी, एक सेकेंड, मुझे अमरीका जाना है बोला था मैंने, अरे तो अमरीका जाना तो भाई गड्ढा खोद, गड्ढा खोद रहा हूँ क्योंकि पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, हाँ तो फिर ये गड्ढा, एक सेकेंड, इसमें उतर के फोटो खिंचाना है ना, गड्ढा में घुस के फोटो खिंचवाएगा, और क्या, पासपोर्ट साइज फोटो छाती तक होती है, अबे तो वहाँ एक सेकेंड, गड्ढे में छाती तक उतरूंगा, फिर उतने ऊपर का फोटो ले लूंगा, गड्ढा खोद रहा हूँ, सॉरी मेरा नहीं, लगता काट दिया, काटा नहीं अहमद, मैंने अरे रुक जा, एक सेकंड, चौथा गड्ढा खोद रहा हूँ मैं, रुक रुक जा, एक सेकंड, तो ले लिया, ये तो तू एक गड्ढे में भी ले सकता है, तू ले सकता है जी मैं, हेलो बोलेगा तू पहले ठीक से बोल ले, मेरी बात सुन ले, हाँ जी बोलो, गड्ढा तू एक फोटो में भी, एक गड्ढा पहले डिसाइड कर ले, गड्ढा में एक फोटो या फोटो में गड्ढा, अबे ओ सुबह सुबह, सॉरी मैं बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं मैं एक गड्ढे में भी फोटो ले सकता था, है ना, चौथा गड्ढा क्यों खोद रहे हो, राइट, वही तो बात है, नहीं एक्चुअली क्या है, चार पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए ना, इसीलिए चौथा गड्ढा खोद रहा हूँ, उसमें चौथा फोटो लूंगा, वाह बेटा वाह, सॉरी मैं गड्ढा तो काट दिया क्या, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी सर, हेलो हेलो सर, इधर यू स्पीक और लेट मी स्पीक फर्स्ट, आप बोल ही नहीं रहे हो, हेलो, अच्छा सॉरी सर, एम आई रीचिंग टू 9395373, पहले आप कौन बोल रहे हैं, मैं बहुआ बोल रही हूँ, नमस्कार, कौन बहु, .com से, आपको पति चाहिए था, पति चाहिए था क्या, मतलब पति बेच रहे हो, मैं ऐसे पूछ रहे हो, नहीं नहीं प्लीज कोऑपरेट, बताइए एक बार नाम कंफर्म कराइए, कविता बोल रही हूँ, ओह कविता जी, एक सेकंड, मैं कहीं कवि तेरे प्यार एक कविता जी, क्या है, थैंक यू दादा, वेलकम वेलकम यू, हाँ जी कविता जी, एक छोटा सा नजराना आपके लिए, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, वैसे आप बोल कौन रहे हैं और कहाँ से बोल, मैं छोड़ो, तो आपको पति चाहिए था ना, तो मुझे पति चाहिए था, तो आप एक पति हैं, बात करिए यहाँ पे, रोहित सदाना जी, नमस्कार, हेलो, ये पति हैं, ये एक बड़े ही अच्छे कंपनी में सर्विस कर रहे हैं, नमस्कार, ये क्या हो रहा है, एक सेकंड, ये बहुत ही काबिल इंसान है, इनके पास दो गाड़ियां हैं, एक पत्नी है, तीन बच्चे हैं, बड़ा पूरा परिवार, आपने कहाँ पे कॉल किया, आपको पति, आपको पति चाहिए था ना, नहीं तो मुझे पति अपने लिए चाहिए, दूसरे का पति, आपने पति तो बोला था, पति है, हाँ पति हूँ, बहुत काबिल पति है, मुझे मेरे लिए पति चाहिए, किसी और का पति नहीं चाहिए, तो पति तो पति, आप ये बोली ना लड़का चाहिए, मुझे लड़का चाहिए, मुझे दूसरे के पति नहीं चाहिए, अच्छा आपको अपनी शादी के लिए एक लड़का चाहिए, इज दिस फाइनल, यस ओके, आप किस विभाग में काम करती हैं और कैसा लड़का देख रही, मैं एडमिन में काम करती हूँ, मुझे इसी फील्ड का लड़का चाहिए, आप एडमिन में और लड़का भी सेम फील्ड का चाहिए, हाँ जी चाहिए कि सेम फील्ड का, सेम फील्ड का हो, कोई लड़का है भाई साहब, वो अपना कुंकू है, बहुत बड़ा एडमिन हेड है, कहाँ पे, बहुत ही बड़ा एडमिन हेड, चलेगा आपको,
कहाँ पे? ये अपना क्या कहते हैं ना वो कंपनी व्हाट्सएप का एडमिन हेड है, ग्रुप हेड है वो. अच्छा व्हाट्सएप का ग्रुप का एडमिन? व्हाट्सएप का एडमिन हेड नहीं. नहीं तो नहीं नहीं प्लीज. कितने ग्रुप हैंडल कर रहे हैं? 15 ग्रुप हैंडल कर रहे हो? बताइए. थैंक यू थैंक यू. आ भी जाता है बैठे, थक जाता है वो हैंडल करता करता. सुनिए तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझू? हेलो भाई साहब नमस्ते. हाँ नमस्ते. मैं बउआ और मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी. बहुत बहुत शुक्रिया नव युवक हमारे साथ जुड़ने के लिए. अरे कौन बउआ भैया? अगर आप 2 मिनट दें तो क्या? हेलो हम दे तो देंगे लेकिन कौन शुरू कर दें क्या? 2 मिनट एक चर्चा हर हफ्ते भाई साहब एक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे पर. हेलो बता. आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि और नंदकिशोर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट चर्चा करते हैं. कौन सा एक्सपर्ट? हर तरीके का एक्सपर्ट. अरे ये हर चीज के एक्सपर्ट हैं. भेड़ की ऊन से बनने वाले साल से लेकर छाती पे उगने वाले बाल तक सबके बारे में इनको पता है. क्यों बैरागी जी? वाह तो बंदी के बादशाह. अच्छा अच्छा बता बता बता. दांत चियार दिया बता. जैसे पेड़ के ऊपर से मोटरसाइकिल गुजर जाए. बता बता. तो आज चर्चा शुरू करें. एक सेकंड सॉरी गलत ना बोली. हम कह रहे थे इस बार की चर्चा का मुद्दा है कि सावन में लग गई आग. हाँ तो मैं क्या करूँ? तो नहीं क्यों लगी बैठागी जी? देखिए 1953 में मानसून क्रांति के सिप पे सलार राजा शाह. राजा शाह राजस्थान के थे इसलिए उन्हें राजा शाह शॉर्ट फॉर्म में बोला. जैसे दादी शाह नानी शाह जी. जल्दी बता. राजा शाह ने क्या किया? वो एक बार वन में गए थे शिकार करने के लिए. ठीक है. तो उनके रथ से 2 पत्थर टकराए, चिंगारी पनप गई और पूरे वन में आग लग गई. उस दौरान तब मंत्रियों ने कहा राजा शाह वन में आग लगी, राजा शाह वन में आग लगी, राजा शाह वन में आग लग गई. गंदा बोल रहे हैं. ये चर्चा को यही खत्म किया जाएगा. टकसाल बल्लू. क्या नाम इनका? टकसाल बल्लू. आप टकसाल बल्लू हैं? अरे टकसाल बल्लू के. हाँ तो होगा, हमें क्या मतलब. बस करिए. जांची आया जी. चल बहुत. इस बार की चिट्ठी बैठेगी जी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी कनाडा के रतलाम नगर में उल्टे कॉकरोच को सीधा कर उसकी जान बचाने वाली डेयरिंग लूसी कहती है यू गाइज आर एफ से रॉकिंग. ओह माय गॉड डेयरिंग जी, एफ से रॉकिंग नहीं होता. लूसी सामाजिक काम कर.